राहुल जब जिंदगी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, जो जिंदगी में नहीं बने, नहीं बनेंगे वो कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। राहुल जी अभी जिंदगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और जब तक जिंदा है मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। जब तक जिंदा है, मैं कोई भाजपा नहीं हूँ, ना मैं समाजवादी रहा हूँ, मैं आम आदमी हूँ। कांग्रेस सरकार में कुंडल खींच लिया, सापा सरकार में चैन तोड़ ली और रखी, वो आज बिंदास तुम रात के 2 बजे जाओगे कोई बोलने वाला नहीं है, गुंडागर्दी सब बंद है। पहले 150 रुपये मजदूरी भाई साहब, तो सिलेंडर जो है 200 रुपये का था, आज मजदूर 500 रुपये ले रहा है, सिलेंडर 700 रुपये का है, कोई मजा ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है। ये सब कहने की बात है कि विवाद जो विरोध चल रहा है कि छोटे भटिए बैठे कि विरोध चल रहे हैं मोदी जी का, अब की बार मोदी सरकार, इसके अलावा और कोई सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल जी या फिर नरेंद्र मोदी? मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी। क्यों मोदी? पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया। अच्छा, पप्पू फेल हो गया। मोदी जी पूर्व बहुमत से ज्यादा सीटें आएंगी और मोदी जी जीत जाएंगे? मोदी जी जाएंगे, पूर्व बहुमत से आ रही है। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं महंगाई ज्यादा है बहुत सरकार के अंदर, मेंटल हो जाएंगे, सब कहने की बातें हैं। राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती, सब मेंटल वाली बातें हैं। मेन चीज है मोदी जी, मोदी सरकार, हर घर प्रचार, समझे? मोदी जी आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा है। क्या फायदा क्या हो रहा है बीजेपी सरकार का? हर चीज का फायदा, कौन सा फायदा नहीं है बताइए भाई। मकान मिले ना हिंदू ना मुसलमान, सबको दे रहे हैं, उन्होंने बराबर के दिए, सबको बराबर मिले, बराबर जी। राशन मिला, बराबर का मिल रहा है। लॉकडाउन में सब चीजें बराबर की मिली है, लॉकडाउन में भी मिली है, मिली है बराबर की चीजें। अच्छा। मिली है, क्या चीज नहीं मिली बताइए आप। मिल रहा है तो राहुल जी जो कहते हैं कि महंगाई ज्यादा है बीजेपी सरकार में, पप्पू है, पप्पू, ये पप्पू है, फेल हो गया पप्पू, फेल हो गया। ये तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे मोदी जी। भाई साहब, राहुल जी ने इतनी मेहनत की है, भारत जोड़ो यात्रा की, तो आप लोग साथ नहीं दे रहे? नहीं, आप ऐसा तो नहीं, आप राहुल जी के आदमी हो? राहुल जी के आदमी तो नहीं है आप, उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या यात्रा है, क्या भारत जोड़ो, क्या भारत जोड़ो, मोदी जी सोचते हैं भारत जोड़ो, वो क्या बोल रहा है? मोदी की भाषा बोल रहा है, मोदी जी जो बोल रहे हैं वो बोल रहा है। आप राहुल जी के आदमी तो नहीं है, असल राहुल जी के आदमी हो आप, इस वजह से आप पूछ रहे। राहुल जी प्रधानमंत्री, राहुल जब जिंदगी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, जो जिंदगी में नहीं बनेंगे वो कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। राहुल जी अभी जिंदगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और जब तक जिंदा है मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद योगी जी आएंगे। जब तक जिंदा है, मैं कोई भाजपा नहीं हूँ, ना मैं समाजवादी रहा हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मुसलमान आदमी हूँ मैं, हाँ मुसलमान हूँ। फिर भी मोदी जी को चाहते? मोदी जी चाहते हैं, बहुत बढ़िया। रात दिन चेहरे टूटती है भाई, कांग्रेस सरकार में कुंडल खींच लिया, सापा सरकार में चैन तोड़ ली और रखी, वो आज बिंदास तुम रात के 2 बजे आओगे कोई बोलने वाला नहीं है, गुंडागर्दी सब बंद है। लेकिन देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ राजनेता भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम होती है, आप मुस्लिम हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, नहीं है। मोदी सरकार में ऐसी बात नहीं है, ये विपक्ष की पार्टी उड़ाती है, छोटे भटिए हैं ये, पप्पू है, ऐसे बुआ भतीजे हैं अखिलेश जी और मायावती, ये वो लोग बुलाते हैं, वैसे कुछ नहीं है। मोदी जी के अंदर ऐसी भावना नहीं है, समझे? मोदी जी सब बातें साथ लेके चलते हैं और इस साथ रहेंगे। मोदी जी से खुश हैं? हाँ, खुश हैं साहब, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, हाँ, जो राशन पहले मॉल मिलता था, पहले चोटे भटिए बैठ रहे थे सब राशन, अस्पताल में दवाइयाँ ऐसी देते थे, अब दवाइयाँ सब VIP मिल रही हैं, अस्पताल बढ़िया हो रहे हैं, सब चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया हो रही हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। रात को 2 बजे हम बिंदास चले जाते हैं, 3 बजे बिंदास चले जाते हैं रात को, हाँ, ये नहीं है। औरत जा रही है, पंडित खींच लिया, चैन खींच ली, ये भाजपा सरकार बीजेपी में और समाजवादी में हुआ था, भाजपा पहले होता था। अच्छा, BSP में समाजवादी सरकार में हुआ था। अब बताओ, कोई लेडीज हमारी परेशान हो, कोई बहन भाई हमारी, कोई बहन परेशान नहीं है, 2 बजे आ रही है अपने बिंदास सीधे घर, तो सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। आपके पास भी आता हूँ, आपके क्या नाम भाई साहब? अनिल कुमार प्रजापति। प्रजापति जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार माहौल, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल या फिर मोदी जी? माननीय नरेंद्र मोदी जी। अरे भाई साहब, मोदी जी को बता रहे हैं? हाँ, मोदी जी। तो राहुल में क्या दिक्कत है, राहुल से क्या परेशानी है? राहुल गांधी से ये परेशानी है, उन पर अपनी खुद की पार्टी की वोट नहीं है, खुद के नेता नहीं रुक रहे हैं उनके, छोड़ कर जा रहे हैं, ये परेशानी है। और पहली बात तो उनकी मेजोरिटी यही नहीं है कि उनके जी ने बताया प्रधानमंत्री बनेगा कौन, प्रधानमंत्री चेहरा है उन्होंने कांग्रेस के पास, कोई बताओ आप, मोदी जी वो उनका चेहरा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनके पास है ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मोदी जी के पास है, उनके पास पहले BJP ने खोल रखा है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, हाँ, बन जाएंगे मोदी, बिल्कुल 200%, 400 सीटें पार आएंगी, 405 आएंगी, मोदी 400 मांग रहे हैं, हम 5-6 एक्स्ट्रा देंगे और एक्स्ट्रा, फालतू दे रहे हैं भाई साहब, और फालतू दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा भाई साहब?
572 सीटें हैं, 572। तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा फिर? इंडिया गठबंधन गठबंधन में निपट जाएगा, निपट जाएगा सर, रस्सी टूट जाएगा, काम खत्म। आप कांग्रेस की तरफ से आए सर, ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस की तरफ से आए, कांग्रेस की बराबर तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू फेल हो गया, हमने कहा पप्पू फेल हो गया, स्टाम्प आज अपना कोई मुद्दा ऐसा चेहरा नहीं है कि जो एक बार कहते हैं कि हाँ हम इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप उनका कोई भी उठा कर देख लो पोस्टर वगैरह कि ये हमारे प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप बताओ किस बेस पर वोट दें? गठबंधन में कोई ये बता दे कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके हिसाब से हम वोट दें। राहुल गांधी तो बन नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में, ऐसा क्यों भाई साहब? उनके शब्द ही ऐसे रहते हैं, हमेशा बोल ही नहीं पाते। भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, अभी इतना रुपया बर्बाद कर दिया, इतना तो किसी गरीबों को दान कर देते तो बच जाता रुपया। वो भारत जोड़ो यात्रा से फायदा क्या निकला हमें ये बता दो कि उन्होंने ये चीज मिलाई थी उसमें, लोगों को इस चीज का फायदा दिया भारत जोड़ो यात्रा से? तो फायदा नहीं हुआ कोई, बिल्कुल एक रुपये का फायदा ही नहीं हुआ। और लाखों रुपए की करोड़ों रुपए खर्च करके बहनों में वैनिटी वैन बनवा गए, 50-50 लाख रुपए की उसमें कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं घूमने के। एक बात बताइएगा भाई साहब, प्रजापति जी आप काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं यदि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खतरे में आ जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, देश चलता है संविधान से, संविधान सबसे आगे है। संविधान में आप कहीं लिखा हो कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आप हम बता सकते हैं, बताओ। कहने में क्या, करने में कहने में बहुत अंतर होता है। विपक्षी पार्टी कह रही है, अगर किसी भी बीजेपी किसी एक नेता ने कहा हो तो आप हमें बताओ किसने कहा है, बताओ उसका नाम बताओ हमें। आप किसी भी एक नेता ने कहा हो, माननीय मंत्री जी ने कहा हो, किसी ने क्या हो, यहाँ हमारे लोकल मंत्री जी हैं गुलाब देवी जी, उन्होंने कहा हो, किसी ने कहा हो, बताओ आप। तो मोदी जी को चाहते हैं भाई साहब? हाँ बिल्कुल, मोदी जी को चाहते हैं। आरक्षण नहीं खत्म होगा? हम नहीं चाहते, पूरा देश कैसे खत्म हो जाएगा? संविधान पर देश पे चल रहा है, संविधान से आप बताओ, संविधान कहीं लिखा हुआ है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? कभी खत्म नहीं होगा, जो है लागू वो रहेगा, जो लागू है वो रहेगा। हाँ वो रहेगा। अच्छा कहीं ना कहीं देखिएगा, मैं पहले चरण की बात करूँ या दूसरे चरण की, तो वोटिंग की कहीं ना कहीं देखने को मिली है कि बहुत कम रेटिंग निकल के आई है, लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, ऐसे क्या कारण है भाई साहब? दंगा फसाद, लोग जो है अब जो विपक्ष की जो पार्टियां जो वो ये उड़ा रही हैं कि वोटिंग कम परसेंटेज हुआ है। आप तो मीडिया में, आपको पता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि 63% वोटिंग आप कम समझते हैं, 63-67 इसमें से क्या लगता है मोदी जी के पास कितने परसेंट हुई है? मोदी 50% मोदी जी के पास है, बाकी 14% में आम आदमी और पार्टियां हैं। अच्छा 50% मोदी जी को आप हुई है? हाँ हुई है, क्यों नहीं हुई है? 68%, 71%, 67% तक वोटिंग हुई है। आपको तो पता ही होगा जो परसेंटेज वोटिंग आती है, आपको पता है कहीं भी वोटिंग 60% से नीचे नहीं हुई है। वोटिंग वहाँ गलत मानी जाती है, 60% नीचे वोटिंग होगी, वोटिंग हर जगह सही हुई है। अब जब विपक्ष में उड़ाने को तो आप कुछ भी उड़ा दो, उसमें क्या है? तो 50% मोदी जी के पास चले गए वोट, और 5-10% आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के आने का 400 से ऊपर आने का मतलब ही यही, 50% बीजेपी के पास है। अब आप यहाँ देखो कितनी पब्लिक खड़ी है, सब बीजेपी के हैं, कोई आप एक आदमी बता दो दूसरे आदमी के लिए कहते। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी अंकल जी, किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? थोड़ा सा मोदी जी के अलावा तो चांस ही ना है, मोदी जी सबके आगे भारी पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं, किसी के पास चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री का। कोई अभी राहुल जी को समय लगेगा, राहुल जी को समय लगेगा, लेकिन मैंने तो बहुत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। नहीं आते राहुल जी, नहीं आते मोदी के सामने अभी, मोदी नहीं आएंगे, ये जोगी मोदी। पुलिस के अंदर जो अनुशासन और पुलिस के अंदर जो देखने को मिला, कभी नहीं मिला ऐसा जो इस सरकार में, इस सरकार की बात बाबा के बाप। पुलिस के अंदर बहुत सुधार आया, पुलिस वो हो गई कि किसी बदतमीजी नहीं करती किसी के साथ। अच्छा नहीं करती? तो पहले पुलिस कुछ गड़बड़ कर देती थी क्या? हाँ पहले थोड़ा वो चलता था, गंदी गठबंधन ही हो, अब एक बहुमत की सरकार है ये। अच्छा हाँ, तो राहुल जी को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं बाबा? अब भैया जनता की है, जनता का जैसे जो अच्छा लगे जनता को, जो जनता को पप्पू फेल हो गया, ये जो जनता का है खेल, जनता की तो छोड़िए, आप क्यों नहीं मौका देना चाहते राहुल जी को? हम अभी छोटे हैं, राहुल जी मोदी जी के सामने नहीं टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे बच्चा। मोदी जी का ऑटोमेटिकली वोट ऑटोमेटिक उनके दिल पे लग गया, आप देखिए कोई झाड़ू नहीं, सब टोटली मोदी मोदी है, टोटल मोदी मोदी है। कांग्रेस ही भी मोदी के साथ है, कांग्रेसी लोग मोदी जी के साथ। हाँ कैसे 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 कह रहे हैं? कोई कांग्रेसी के अंदर कोई भाव ऐसा व्यक्ति नेता आई नया निकल कर के आ रहा है, अब परिवारवाद नहीं चल रहा है, बस परिवारवाद को कोई देना नहीं चाहता वो। अच्छा तो कांग्रेस को बता रहे हैं परिवारवाद? कांग्रेस आने वाले समय किसी समय आगे चली जाए, मगर अभी तक मोदी के सामने कोई नहीं टिके। अच्छा नहीं टिके, आने वाले समय में कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं टिके। अच्छा सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ बाबा सही कह रहे हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी ने बहुत कुछ काम करे हैं, ट्रेनें चलवाई हैं, राशन दिया है, और क्या ना बोले मकान मोदी मकान दिए हैं, वो भी करा है,
जो इंजेक्शन वगैरह उसमें वैक्सीन दी है और बहुत कुछ करा उन्होंने, और उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है जो सरकार साहब। केजरीवाल जी तो कहते सब बेच दिए बीजेपी ने, केजरीवाल जी बोलते बेच दिए। दूसरी पार्टी है तो कहेंगी दूसरे के लिए बोलेंगी, अरे तो सब बोलेंगी कि इनने बेच दिया, फलाने ने बेच दिया, एक के खिलाफ दूसरा खिलाफ चलते ही इलेक्शनों में हर बात होती है। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं कि महंगाई ज्यादा है बीजेपी सरकार में, बाबा फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहते हैं। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई है तो कमाई भी ज्यादा है लोगों की, कमाई भी सही है। हाँ कमाई भी ज्यादा है। अच्छा पहले कम थी अब ज्यादा है। पहले 150 रुपए मजदूरी भाई साहब, तो सिलेंडर जो है 200 रुपए का था, आज मजदूर 500 रुपए ले रहा है, सिलेंडर 700 रुपए रहा है, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। ये सब चेने की बातें हैं, जो विरोध चल रहा है कि चोटे भटिए बैठे ये विरोध चल रहे हैं मोदी जी का, अब की बार मोदी सरकार, इसके अलावा और कोई सरकार नहीं है। ए बाबा ये तो बता रहे महंगाई है ही नहीं है, नहीं है महंगाई, महंगाई बता रहे है नहीं है अभी तक, नहीं है महंगाई। ये तो आम जनता में पता करोगे बाजार के अंदर, जब पता चलेगी हर बाजार में ही खड़े हैं बाबा, यही पूछ रहे खड़े हैं जो कह रहे हैं, ये सब सही कह रहे हैं अपनी जगह, सही कह रहे हैं मोदी सरकार। पहले सिलेंडर 400 के आसपास का था, गुंडागर्दी बदमाशी मुझे तान के चलने वाले जे खत्म हो गए, 400 के ऊपर ही जाएगी, 400 के ऊपर, 400 के ऊपर ही जाएगी। पुलिस के अंदर जो आया है इससे परिवर्तन जो आया, बदमाशी पुलिस बहुत सही पुलिस आई हो गई, गुंडागर्दी भी बंद हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस जो है बहुत सही काम कर रही है, सही कर रही है, बहुत बढ़िया। बाबा थोड़ा इस साइड में आ जाइए, कहीं आप भी आगे आ जाइए, क्या नाम आपका? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं आप मुझे नहीं बोलो, मैं क्यों नहीं बोलोगे, बोल दो, बोल दो, बोल दो। आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा किशन मीन नाम है सर। यही के रहने वाले हैं? नहीं हाँ। जिला बदायूं। अच्छा बदायूं से हैं? हाँ, नौकरी करते हैं। अच्छा अच्छा प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? हम तो मोदी को बनाना चाहते हैं। अरे मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हैं? उन्होंने भला किया है हमारा। क्या भला किया है? हमें राशन फ्री मिल गया है। राशन मिल रहा है और फ्री सब कुछ फ्री मिल गया है, क्या दिक्कत है? लेकिन राहुल जी कहते हैं जो महंगाई ज्यादा वो नहीं बताएंगे। हमारी मजदूरी बड़ी है, हाँ 250 रुपए पहले चल रहा है, अब 400 चल रहा है। पहले 250 और अब कितना चल रहा है? हमारे यहाँ 400 चल रहा है। क्या नाम होगा भाई साहब? मोनू खुराना। मोनू खुराना जी। अच्छा मोनू खुराना जी कैसे देख रहे हैं अब की बार प्रधानमंत्री के रूप में, किसे देखना चाहते हैं, मोदी या फिर राहुल जी? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को जी। भाई साहब मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं? मोदी जी ने इतना काम किया है कि शायद आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री इतना काम नहीं करेगा। जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अच्छा क्योंकि तो कुछ विपक्ष के लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म नहीं होगा, 10 साल हो गए आरक्षण खत्म नहीं हुआ अभी तक, सरकार मोदी जी की है और ना ही खत्म होगा ना खत्म होने देंगे। कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा मोदी जी रहे तो। जी 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, राशन मिल रहा है बराबर का, हर किसी को मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, कोई ज्यादातर राशन जो मिल रहा है वो गरीब लोगों को मिल रहा है, जिन जो आरक्षण में आते हैं उनको राशन मिल रहा है, उनको सब सुविधाएं मिल रही है, मकान मिल रहा है, मोदी जी की योजनाएं मिल रही है सारी, ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष के लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई मतलब जो आप बता रहे हैं कि भ्रम फैला रखा है तो कोई खतरा नहीं है फिर? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अच्छा आरक्षण जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे जी वैसे चलता रहेगा जी। अच्छा एक बात बताइएगा, राहुल जी से क्या नाराजगी है भाई साहब, राहुल को क्यों नहीं देखना चाहते? राहुल जी से नाराजगी ये है कि उनके जो काम करने की जो इच्छा या सुविधा है वो ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे देश के लिए। राहुल जी हाँ जी, ना उन्हें इतनी नॉलेज है ना उन्हें इतनी बात पता है कि प्रधानमंत्री जी में क्या होता है कैसा होता है। नरेंद्र जी को बहुत मोदी जी को बहुत नॉलेज है और वो पिछले 20 साल से पहले मुख्यमंत्री रूप में काम कर रहे थे, आज जो है प्रधानमंत्री जी के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा जी वो करते रहेंगे, तीसरी बार भी मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं महंगाई ज़्यादा फेल हो गई है बीजेपी सरकार, तो कमाई भी ज़्यादा हो गई ना, कमाई भी बहुत हो गई है, जैसे महंगाई हो गई जैसे कमाई भी हो गई है। जो मैं जो 10 रुपये गिलास बेच रहा हूँ, मैं गिलास 20 रुपये बेच रहा हूँ, मैं 10 रुपये बढ़ा दिए तो मेरी कमाई भी तो बढ़ी, कमाई बढ़ रही है, कमाई भी बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो कमाई भी बढ़ी। जो गोभी आज 10 रुपये था वो 40 रुपये बिक रहा है तो क्या हुआ, आलू जो है 15 रुपये था 25 रुपये हो गया तो महंगाई भी तो बढ़ी कमाई भी तो बढ़ी, दोनों बातें हुई, कमाई बढ़ी हमारी तो हमारी महंगाई क्या हो गया बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ी 10 पैसे और कमाई बढ़ी 20 पैसे, कमाई बढ़ी 20 पैसे महंगाई बढ़ी 10 पैसे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है और ना होगा। हाँ जी अच्छा एक बात बताइएगा, मोदी जी के राज में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने कि भाई साहब ये तो आना ही चाहिए, इसलिए बढ़िया इसलिए आना चाहिए? मोदी जी के राज में ये है कि अच्छा लगा कि एक तो ये है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, बदमाशी खत्म हो गई, सारे क्रिमिनल खत्म हो गए, सारे क्रिमिनल खत्म हो गए, सारे क्रिमिनल कुछ नहीं है, इसलिए मोदी जी का आना जरूरी है। मोदी जी अगर नहीं आए तो देश का भट्टा, देश गिर भी रखा जाएगा। सही कह रहे हैं, देश गिर भी रखा जाएगा मोदी नहीं आए तो, फिर दोबारा देश गिर भी हो जाएगा। हाँ
जैसे पहले देश गिर भी था हमारा, फिर दोबारा देश गिर भी हो जाएगा हमारा। अच्छा, आप मोदी जी नहीं आए तो ये समझिए आप, इसलिए मोदी जी का आना जरूरी है। अच्छा जी, लेकिन राहुल जी तो कहते हैं कि किसान परेशान बीजेपी की सरकार में। किसान को फायदा है? किसान परेशान नहीं है, किसान ठीक है मेहनत करता है और मेहनत कर कमा रहा है। जो आलू आज 10 रुपए था वो आज 25 रुपए है, तो किसान की मेहनत की कमाई तो है वो, कोई परेशान नहीं है किसान। किसान परेशान नहीं? कोई नहीं है। लेकिन राहुल जी क्या बार बार आंदोलन के लिए जाना पड़ता है ना, तो फिर क्यों जाना पड़ता है? राहुल जी तो ये चाह रहे हैं कि किसान जो है परेशान हो, इसलिए आंदोलन जा रहे हैं। राहुल जी परेशान नहीं है, हो जाए, राहुल जी ये चाह रहे हैं हो जाए, होगा कि हमें वोट दें, ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो है भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा।